वेलकम बैक टू गिरिहल्द वीलॉग्स। कराकुल के दो दिन के विजिट के बाद वापसी पे हमने स्कूल लेक पे थोड़ी देर के लिए रुकने का फैसला किया और आइए इस लेक का नज़ारा हम आपको भी करा देते हैं। Ну, может, да, немножко покушать. Покушать хотя бы там, в кафе, да. А, мы не работаем. झील किनारे एक बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट चाय का हमें नज़र आया। पूछने पर पता चला कि इस रिसोर्ट ने अभी काम शुरू नहीं किया, लिहाजा हम झील के साहिल की तरफ मुड़े। ये जबरदस्त मैजेस्टिक व्यू है लेक का और इसके अंदर बहुत सारे परिंदे, मुर्गादियाँ, बतख वगैरह इस वक्त स्विमिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये परिंदे इसमें भरे हुए हैं और इसके साइड पे छोटे छोटे रिसोर्ट्स हैं। इसिकुल झील किर्गिज़िस्तान के शुमाल मशरक में नमकीन पानी का सबसे बड़ा और गहरा झील है और नमकीन होने की वजह से ये इंतहाई सर्द मौसम में भी फ्रीज नहीं होता। इसकी वजह से इसका नाम इसिकुल यानी गर्म पानी का झील रखा गया है। ये झील सतह समंदर से 1608 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है और इसकी लंबाई तकरीबन 182 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 किलोमीटर। ये सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा झील है और इसकी गहराई 702 मीटर बताई जाती है। इस झील के आसपास बहुत खूबसूरत आबादियां मौजूद हैं जिनमें चोलपन अता और बलखची काबिल ज़िक्र हैं। ये किर्गिज़िस्तान में समर और विंटर टूरिज़्म का सबसे मसरूफ इलाका है जहां कई बैनुल अक़वामी खेल भी मुनाक़िद किए जाते हैं। हालिया वक्तों में यहां एक बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट भी तामीर की गई है जिससे टूरिज़्म में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। आप बिश्केक से 4 से 5 घंटे के अंदर इसिकुल पहुंच सकते हैं। Thank you.
गिरिहल्दन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स की सूरत में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।